लोग आ गए अभी रिलायंस बाजार के पास, स्मार्ट बाजार के पास। ये देखो, और कुछ कुछ हमें ना खरीदारी करनी है, जैसे डोगो के लिए कुछ कपड़े हैं, डोगो के लिए चप्पल एक देखेंगे हम लोग, और डोगो के लिए भी बच्चे के लिए चप्पल अगर होगा तो यहाँ पे हम लोग अभी चप्पल लेने वाले हैं। चल चलिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं हमें, तो हम लोग पहले अभी चलते हैं ऊपर और दिखाते हैं, क्योंकि नीचे कम्प्लीटली ग्रॉसरी है, तो ग्रॉसरी हमें लेना नहीं है। ग्रॉसरी में जैसे कि काफ़ी सस्ते हैं ये, और स्मार्ट बाजार में ना जी। हाँ, अचानक से मार्केट निकले हैं, क्योंकि वो मतलब सामान सभी लेना था थोड़ा बहुत, और डुगू के लिए सैंडल भी लेना था, और कुछ कुछ सामान लेना था। तो अभी 3:30 बज रहे हैं, जबकि हम लोग 4 बजे दूध लाने जाते हैं, तो हम लोग बोले कि चलिए चलते हैं आज बाहर। गर्मी काफ़ी पड़ रही है यार, गर्मी में हमें टी शर्ट पहन के आनी चाहिए। हम शर्ट पहन डोगू के लिए जो न्यू चप्पल आया है और न्यू कपड़ा आया है, और आते ही बोली पहले तो हमको पहना दो, और बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है इसमें। कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा। फैमिली गुड मॉर्निंग, अभी मॉर्निंग है, और मॉर्निंग में जगते जगते क्या बताया, जो डोगू हमको जगाने के लिए ऐसा चीज़ की ना, जिससे कि देखे पूरा रूम खाली का खाली हो गया। मतलब हम सोए हुए थे तो इनके पापा इनको सिखा दिए कि एक बाल्टी पानी लेके मुँह पे दे दो, ये एक बोतल पानी ला के पूरा बेड को ही भिंगा दे, जिसके वजह से देखे बेड शीट वगैरह सब यहाँ दिया है धोने के लिए। देखिए कितना ज़्यादा भींग गया है, वैसे सूखने देते हैं तो अभी उतना ज़्यादा गंदा होता नहीं था, लेकिन अब पानी गिरा दी तो पूरा का पूरा ब्लैंकेट और बेड शीट पूरा गंदा हो गया, तो फिर दे दिए उसको बाहर में। और इधर देखिए पूरा रूम खाली हो गया, बाकी गंदा भी बहुत ज़्यादा है सारा। सुबह का समय है, माता रानी को कर लेते हैं प्रणाम, और इधर देखिए ये है, बाकी डुगू या चप्पल पहन रही है, तो अभी सारा रूम में देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा कचरा आपको नज़र आता होगा, तो पूरा साफ करेंगे क्योंकि सुबह सुबह ही है। और ये रूम देखिए अभी हम खोले भी नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं हमारे पास 2 रूम है, तो हम लोग एक ही रूम में ना रह सकते हैं, ये रूम पूरा बंद करके रखते हैं। सो दोस्तों, अभी जो है हम लोग जा रहे हैं मार्केट, और थोड़ा सा पतली गली से निकल रहे हैं, और क्या बताएंगे इतना हवा बह रहा है ना, बात देखिए बालू वगैरह ना सारा चीज़ लग रहा है ना मुँह पे ही रहा है। देखिए इधर से थोड़ा ठीक भी लग रहा है, और ये गली से इसलिए जाते हैं ना क्योंकि नज़दीक पड़ता है, क्योंकि हम लोगों को ना मार्केट तक जाने के लिए ना बहुत दूर पैदल जाना पड़ता है। अचानक से मार्केट निकले हैं, क्योंकि वो मतलब सामान सभी लेना था थोड़ा बहुत, और डुगू के लिए सैंडल भी लेना था, और कुछ कुछ सामान लेना था। तो अभी 3:30 बज रहे हैं, जबकि हम लोग 4 बजे दूध लाने जाते हैं, तो हम लोग बोले कि चलिए चलते हैं आज बाहर। गर्मी काफ़ी पड़ रही है यार, गर्मी में हमें टी शर्ट पहन के आनी चाहिए। हम शर्ट पहन लिए हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, और गर्मी हम भी क्या किया आज देखिए फुल शर्ट सूट पहन, पैदल चलना होता है ना, इधर से कुछ मिलता नहीं है, रिक्शा वगैरह थोड़ा दूर जा करके मिलती है। हम लोग दूसरे गली से जा रहे हैं, तो डुगू को समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग किधर जा रहे हैं। इसलिए काफ़ी चलने के बाद हम लोग आए हैं मेन रोड पे, और अभी से यहाँ थोड़ा और चलना पड़ेगा, तब जा कर के हम लोग ऑटो लेंगे और फिर जाके पहुँचेंगे जगह को मार्केट, क्योंकि ये सब जगह पे सिर्फ फ्रूट्स वगैरह सब मिलता है। अभी आइसक्रीम लेगी हम लोग आ गए अभी रिलायंस बाजार के पास, स्मार्ट बाजार के पास। ये देखो, और कुछ कुछ हमें ना खरीदारी करनी है, जैसे डोगो के लिए कुछ कपड़े हैं, डोगो के लिए चप्पल एक देखेंगे हम लोग, और डोगो के लिए भी बच्चे के लिए चप्पल अगर होगा तो यहाँ पे हम लोग अभी चप्पल लेने वाले हैं। चल चलिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं। ले लो, टोटल ग्रॉसरी आइटम्स हैं। हम लोग यहाँ पे चप्पल लेने के लिए आए हैं, और डोगू का कुछ टी शर्ट्स लेना है हमें, तो हम लोग पहले अभी चलते हैं ऊपर और दिखाते हैं, क्योंकि नीचे कम्प्लीटली ग्रॉसरी है, तो ग्रॉसरी हमें लेना नहीं है। ग्रॉसरी में जैसे कि काफ़ी सस्ते हैं ये, और स्मार्ट बाजार में ना जी। हाँ, बहुत सस्ते, काफ़ी नॉर्मली दुकान के जैसा ही सब कुछ यहाँ पे नॉर्मली मिल जाता है। बाकी देखिए यहाँ पर गुगू बदमाशी कर रही है, और गुगू को कौन सा कपड़ा पसंद है, कौन सा पसंद है तुमको, कौन वाला, ये वाला। देखिए गुगू को कौन सा, कैसा लग रहा है, जो भी पसंद है, कौन सा तुम लोग। तो डोगू कह रही है कि ये 12 है, तो इसको हम रख देते हैं, चलिए जहाँ पे था। ये कह रही है कि 12 है, वो वाला अच्छा है, तारबूज छपा हुआ है ना, इसलिए इसको अच्छा लग रहा है। ये एक ड्रेस ये भी पसंद आया है, लेकिन ये थोड़ा सा गर्मी में पहनने लायक नहीं है, लेकिन ये पार्टी वियर है ना। हाँ, तुमको वो पसंद आया है, कौन सा पसंद आया बताओ, वो छोड़ दो तुम इधर आ जाओ। बाकी इनको ना खोजते कभी इधर भाग जाती है, कभी उधर भाग जाती है, तो और मॉल काफ़ी बड़ा है, इसलिए क्राउड अभी है नहीं इसमें,
तो इस वजह से ये मिल जा रही है हमें, लेकिन काफी सारे इसमें देखिए, ये जो है नराजा ब्लॉग का जो वाइफ पहनती है ना वही वाला हॉट पैंट है, सेम सच में वही वाला पहनी ही पहनती है। तुम भी ले लो, तुम भी। नहीं नहीं मुझे नहीं पहनना है, मतलब देखे तो हंसी याद आ गया। तो इसे भी हम लोग अभी चलते हैं नीचे, क्योंकि साथ प्लॉट पर भी कुछ भी नहीं मिला, और इसके बाद फिर वहाँ पे राशन की सामान भी कुछ जरूर ज़्यादा खरीदारी करनी है, बाकी यहाँ पर देख सकते हो गुगू के ना कुछ एक दो आइटम से हम लोग लिए हैं यहाँ पर कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि सबसे सारे कपड़े हमारे उड़ जाते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या लिए, चप्पल की दुकान ले आए। गुगू क्या खरीदने आए यहाँ पे, क्या लेगी गुगू? बोलेगी यहाँ पे सैंडल, तो देखते हैं इनके लिए कौन सा सैंडल निकल के आता है, क्योंकि ना इनके साइज का तो जल्दी मिलता ही नहीं है, जितना एज है उससे ज्यादा पैर ही छोटा है। देखो ये वाला पसंद है तुमको, ऐसा लगता है बच्चा का क्या होता है, मैं खोल कर से कैसा बड़ा है ना, बड़ा हो गया लेडी का है ना वो उस टाइप का क्रॉक्स, तो उसको उसके पैर में आता ही नहीं है, इस वजह से ये वाला सैंडल ना, ये वाला सैंडल इसको आ जाएगा, ये देखो चल के दिखाओ अच्छा लग रहा है कैसा, यही लेगी। फाइनली हम लोग जो है मॉल में कुछ सामान लिए थे डुगो के लिए, और बाकी यहाँ पे देखिए सामान लिए हम, राशन सबका आटा चावल भी थोड़ा थोड़ा लेके जाने में बहुत दिक्कत होता है, और एक बार लेने से एक ही बार परेशानी होता है। यहाँ पे डुगो, और ये डुगो डुगू बैठ गई है, डुगू के लिए स्लीपर लिए, कपड़ा लिए, यहाँ पे देखिए मार्केट में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, और यहाँ पे सब्जी के लिए लिए हैं देखिए करेला, काफ़ी ज़्यादा हम लोग ओला मतलब ये देखिए ऐसे तो जा नहीं सकता था, और हमारे बाइक नहीं है तो प्रॉब्लम हो गया, तो यहाँ पे सामान है, और अभी हम लोग भाई कोई बात नहीं, अगर आपको ये जाएगा तो हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन कंपनी भी जानी चाहिए ना भैया, आपका लोकेशन वही साइड पे था। डुगू के लिए जो न्यू चप्पल आया है और न्यू कपड़ा आया है, और आते ही बोली पहले तो हमको पहना दो, और बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है इसमें, कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा, अच्छा लग रहा है। तुमको यही सब कपड़ा चाहिए? खाली इसको पता है खरीदने में जो मज़ा आता था, जो मन होता था वो उठा लेती थी मॉल से, और यहाँ पे देखिए सामान आया है, तो सामान अभी खुला नहीं है, बाकी हस्बैंड जी आए हैं तो उन जल्दी आते ही अपना काम पे देखिए लग गए हैं, बेड वगैरह का देखिए पता है एक दिन हम लोग घर से बाहर निकलते हैं ना हालत ख़राब हो जाता है, चाहे छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे हो, उनको कुछ नया चीज़ मिल जाए ना तो उसमें बहुत खुशी मिलता है, तो देखिए यहाँ पे इसको नया चीज़ मिल गया है, और बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। इधर देखो डुगू, इसमें देखो, थैंक यू बोलो मम्मी को। थैंक यू। क्या किस लिए? कपड़ा दिलाने के लिए, इसे थैंक यू बुलवाने में ना बहुत अच्छा लगता है। आते ही ना अभी इसको बस तीन ही कपड़ा में चेंज होते हुए देखें, बाकी इसको बार बार सामान को खोल रही है, तो सामान का वीडियो हम कल आप लोग को दिखाएंगे क्या क्या लाए हैं। बाकी इधर देखिए शाम का समय था, तुम आते ही ना सबसे पहले रूम में अगरबत्ती जलाए, देख सकते हैं आप लोग, और माता रानी को प्रणाम किए और अगरबत्ती जलाए, और बाकी आज पैकेट वाला दूध ही आया था, तो फिर हम दूध भी गर्म करने लगे, यहाँ पे देखिए मेरा दूध भी चढ़ा हुआ है, उबल रहा है, तो थोड़ा सा उबलने देते हैं क्योंकि डुगू को देना है। बाकी कैसा लगा मेरा ये छोटा सा ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट जो पार्ट टू है वो हम लोग कल अपलोड करेंगे, तो कल देखना नहीं भूलिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।